क्वेश्चन ये है कि बॉक्स इनिशियली इक्विलिब्रियम में है और रेस्ट में है, और दोनों स्प्रिंग के बीच जो थ्रेड है उसको कट करने के बाद बॉक्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इनिशियली ये दोनों स्ट्रिंग लूज है, तो कन्फर्म है कि बॉक्स का जो वेट है वो ये स्प्रिंग सिस्टम बैलेंस कर रहा है, मतलब दोनों स्प्रिंग में कुछ इनिशियल इलोंगेशन है। अगेन, दोनों स्प्रिंग सीरीज में है और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, तो कन्फर्म है कि दोनों स्प्रिंग में जो इनिशियल इलोंगेशन है वो सेम है। मान लेते हैं कि इनिशियल इलोंगेशन एक्स नोट सेंटीमीटर के इक्वल है। दोनों स्प्रिंग में इनिशियल इलोंगेशन मान लेते हैं एक्स नोट सेंटीमीटर है, दिस इज एक्स नॉट बाई 100 मीटर, ठीक है। और अब हम एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बॉक्स पर नेट फोर्स जीरो करते हैं, बॉक्स का वेट एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, और ये जो स्प्रिंग है वो बॉक्स पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो द फोर्स बाई दिस स्प्रिंग विल बी के इंटू इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग, ठीक है, विच इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई 100, ठीक है। और इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, तो इस स्प्रिंग सिस्टम का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट एम जी इक्वल टू इक्विवेलेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दैट इज के बाई 2 इन टू टोटल इलोंगेशन। तो दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन एक्स नॉट सेंटीमीटर है, तो जो नेट इलोंगेशन है वो जाएगा 2x0 सेंटीमीटर, दैट इज 2x0 बाई 100 मीटर, ठीक है। देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। एम जी इज द वेट ऑफ द बॉक्स विच इज इक्वल टू 100 न्यूटन इक्वल टू के दैट इज 500 इंटू एक्स नॉट बाई 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल, सो दिस इंप्लाई दैट एक्स नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब दोनों स्प्रिंग में जो इनिशियल इलोंगेशन है वो 20 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगेन, दोनों स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ 50 सेंटीमीटर के इक्वल है, मतलब इस पोजीशन में दोनों स्प्रिंग का लेंथ 50 प्लस 20 दैट इज 70 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है दिस इज लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और ये 70 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। और इस स्प्रिंग का लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक 70 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। अगेन, ये जो थ्रेड है उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, सो दिस लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, मतलब बॉक्स और सीलिंग के बीच जो सेपरेशन है वो 70 प्लस 10 प्लस 70 दैट इज 150 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। सो वी हैव सेपरेशन एस बिटवीन बॉक्स एंड द सीलिंग इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस थ्रेड को कट करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि इस थ्रेड को कट करने के जस्ट बाद दोनों स्प्रिंग का लेंथ इमिडिएटली डिक्रीज करेगा, और ये दोनों जो लूज स्ट्रिंग है वो इमिडिएटली स्ट्रेट हो जाएगा,
इमिडिएटली टाइट हो जाएगा, लेकिन जो बॉक्स है उसकी वेलोसिटी जीरो बनी रहेगी, ठीक है, क्योंकि इस थ्रेड को कट करने के बाद दोनों स्प्रिंग का लेंथ इमिडिएटली डिक्रीज करेगा और जो थ्रेड है वो इमिडिएटली स्ट्रेट हो जाएगा। और ये काम इतना जल्दी होगा कि इस बॉक्स को मूव करने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बॉक्स के पास कुछ मास है, बॉक्स के पास इनर्शिया है। तो यही वजह है कि इस थ्रेड को कट करने की जस्ट बाद दोनों स्प्रिंग का लेंथ इमिडिएटली डिक्रीज कर जाएगा, लेकिन जो बॉक्स है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर पाएगी, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पर दोनों स्प्रिंग के एंड पर, मतलब एस एंड पर और एस एंड पर कोई भी मास अटैच नहीं है, मतलब कोई भी इनर्शिया नहीं है। यही वजह है कि इस थ्रेड को कट करने के जस्ट बाद दोनों स्प्रिंग का लेंथ इमिडिएटली डिक्रीज करेगा और ये दोनों लूज स्ट्रिंग इमिडिएटली स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अगेन ये समझते हैं कि अगर ये दोनों लूज स्ट्रिंग नहीं होता उस केस में इस थ्रेड को कट करने के बाद क्या होता, ठीक है। तो अगर ये दोनों लूज स्ट्रिंग नहीं होता और उस केस में हम इस थ्रेड को कट करते हैं तो दोनों स्प्रिंग इमिडिएटली अपने नेचुरल लेंथ में आ जाता, लेकिन जो बॉक्स है उसकी वेलोसिटी जीरो मेंटेन रहती जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड और बॉक्स का एक्सेलरेशन जी के इक्वल हो जाता, ठीक है। मतलब इन दोनों लूज स्ट्रिंग के अब्सेंस में अगर हम इस स्ट्रिंग को कट करें तो उस केस में दोनों स्प्रिंग इमिडिएटली अपने नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, बॉक्स का एक्सेलरेशन इमिडिएटली जी के इक्वल हो जाएगा, लेकिन बॉक्स की वेलोसिटी, मतलब बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी जीरो रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लूज स्ट्रिंग के प्रेजेंस में जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ में नहीं आ पाएगा, लेकिन स्प्रिंग का लेंथ इमिडिएटली डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इन दोनों स्ट्रिंग की वजह से जो स्प्रिंग है वो इस स्ट्रिंग को कट करने के बाद अपने नेचुरल लेंथ में नहीं आ पाएगा। मतलब इस थ्रेड को कट करने के बाद जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग स्ट्रेट हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज सिचुएशन जस्ट बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग एंड दिस इज सिचुएशन जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम इस न्यू सिचुएशन में स्प्रिंग का लेंथ फाइंड करते हैं। स्ट्रिंग का लेंथ 85 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। अगेन बॉक्स और सीलिंग के बीच जो सेपरेशन है वह अभी भी 150 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से बॉक्स इमिडिएटली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। मतलब ये कि इस पोजीशन में स्प्रिंग का लेंथ हो जाएगा 150 माइनस 85, ठीक है। तो ये जो है ये स्प्रिंग का लेंथ है, दिस इज इक्वल टू 150 माइनस 85, दैट इज 65 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ भी स्प्रिंग का लेंथ 65 सेंटीमीटर के इक्वल है। मतलब इस पोजीशन में जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ में नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग में इलोंगेशन 65 माइनस 50, दैट इज 15 सेंटीमीटर के इक्वल है। मान लेते हैं
कि दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन एक्स नॉट डैश है, ठीक है। सो वी हैव एक्स नॉट डैश इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 15 बाई 100 मीटर, ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं कि इस पोजीशन के बाद बॉक्स ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये बॉक्स है, इसका वेट थर्मो डायरेक्शन में 100 न्यूटन एड कर रहा है, और यहाँ पर दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो द नेट फोर्स ऑन द बॉक्स बाय द स्प्रिंग सिस्टम विल बी 2K × इलोंगेशन विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दैट इज 15 बाई 100 मीटर, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है ये कैपिटल एफ के इक्वल है। और अब हम कैपिटल एफ की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी हैव कैपिटल एफ इक्वल टू 2 × K, दैट इज 500 × 15 बाई 100। 0 0 कैंसिल, ये 10 हो जाएगा, सो दिस इज 150 न्यूटन, एंड दिस इज ग्रेटर देन द वेट दैट इज 100 न्यूटन। मतलब स्प्रिंग सिस्टम का जो फोर्स है वो वेट से ज़्यादा है, तो कंफर्म है कि इस पोजीशन के बाद जो बॉक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। और अब हम बॉक्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पर बॉक्स की वेलोसिटी अगेन 0 हो जाएगी, ठीक है। मान लेते हैं कि बॉक्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। बॉक्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मान लेते हैं कि वो एक्स के इक्वल है। और हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक्स की वैल्यू हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। मेथड वन, मेथड वन में क्या करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। वी हैव पीई इनिशियल प्लस के ई इनिशियल इक्वल टू पीई फाइनल प्लस के ई फाइनल। ठीक है। और यहाँ पर जो पीई है मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और स्प्रिंग पोटेंशियल दोनों इंक्लूडेड है। अगेन मान लेते हैं कि इस पोजीशन पर बॉक्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। मतलब ये 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेवल है, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट तो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 हो जाएगी और जो स्प्रिंग पोटेंशियल है वो जाएगा हाफ इंटू के, दैट इज 2K, ठीक है, क्योंकि दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है, इंटू स्क्वायर ऑफ इलोंगेशन। तो इलोंगेशन 15 बाई 100 मीटर के इक्वल है, तो ये 15 बाई 100 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियली बॉक्स रेस्ट में है, ठीक है, क्योंकि बॉक्स थ्रेड के कट होने के पहले भी रेस्ट में था और थ्रेड के कट होने के जस्ट बाद भी बॉक्स रेस्ट में रहेगा, ठीक है। तो सिस्टम की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है
वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्स है ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, एक्स इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो बॉक्स एक्स सेंटीमीटर ऊपर मूव कर चुका है, तो बॉक्स की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी इंटू एक्स बाई 100 बिकॉज एक्स इज इन सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पोजीशन में स्प्रिंग में इलोंगेशन 15 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो बॉक्स जब एक्स सेंटीमीटर ऊपर जाएगा उस समय स्प्रिंग में रिमेनिंग इलोंगेशन 15 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ के इंटू 15 माइनस एक्स बाई 100 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी विच इज अगेन जीरो, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पर बॉक्स की वेलोसिटी जीरो रहेगी, ठीक है। और हम यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, सो दिस इम्प्लाई दैट, तो इस टर्म को इस तरफ लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टू टू दोनों तरफ कैंसिल, और के बाई 100 स्क्वायर कॉमन, और हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी दैट इज एक्स इंटू ए प्लस बी दैट इज 30 माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी, एम जी इज इक्वल टू 100 विच इज वेट ऑफ द बॉक्स इंटू एक्स बाई 100, ठीक है, 100 100 कैंसिल, और यहाँ एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाई दैट 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 10,000 बाई के दैट इज 500 0 0 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 20, सो दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 30 माइनस 20 दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बॉक्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। नेक्स्ट इसको सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं, तो सेकेंड मेथड में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो जो बॉक्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करेगा, इस पोजीशन में स्प्रिंग एलोंगेशन 15 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ये फाइंड करते हैं कि जब बॉक्स इक्विलिब्रियम में होगा उस समय स्प्रिंग में एलोंगेशन क्या होगा। उसके लिए बॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये बॉक्स है, इसका वेट 100 न्यूटन नीचे एक्ट कर रहा है। मान लेते हैं कि जिस पोजीशन पर बॉक्स इक्विलिब्रियम आता है उस समय दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन y सेंटीमीटर के इक्वल है, तो बॉक्स पर जो फोर्स होगा बाय द स्प्रिंग ये हो जाएगा 2k दैट इज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन विच इज y बाय 100 बिकॉज y इज इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 2k दैट इज 1000 इंटू वाई बाई 100
इक्वल टू 100, ठीक है, 0 0 कैंसिल एंड सिंप्लाई दैट वाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ये कि जिस पोजीशन में बॉक्स का एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब जब बॉक्स मीन पोजीशन पे होगा, उस समय स्प्रिंग में इलोंगेशन 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा और यहाँ पर स्प्रिंग में इलोंगेशन 15 सेंटीमीटर के इक्वल है और ये बॉक्स का एक्सट्रीम पोजीशन है। मतलब बॉक्स का जो मीन पोजीशन है वो एक्सट्रीम पोजीशन से 5 सेंटीमीटर ऊपर है, ठीक है, 15 - 10 इक्वल टू 5। तो बॉक्स जब 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तब वो इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन उस पोजीशन पर बॉक्स की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और जो बॉक्स है वो फर्दर 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। मतलब बॉक्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो अगेन 2 × 5 दैट इज 10 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। सो अगेन वी हैव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉक्स एक्स इक्वल टू 2 × एम्पलीट्यूड। यहाँ पर बॉक्स का जो एम्पलीट्यूड है वो 15 - 10 दैट इज 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। सो दिस इज 2 × 5, सो दिस इंप्लाई दैट एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम दोनों ही मेथड से बॉक्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।